टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। भारत सरकार ने तकरीबन 2 दशक पहले ही 50 पैसे के सिक्के की ढलाई बंद कर दी थी, जिसके बाद से देश भर के बाजारों में 50 पैसे की वैल्यू ही खत्म हो गई। इसकी वानगी ये है कि बाजार में कभी 50 पैसे में मिलने वाली वस्तुएं भी बीते कई वर्षों से कम 1 रुपये में मिल रही हैं। लेकिन महाराष्ट्र के बाजारों में इन दिनों 50 पैसा प्रासंगिक बना हुआ है, जो प्याज किसानों की तकदीर लिखने के लिए प्रयासरत है। असल में देश के प्रमुख प्याज उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में प्याज के दामों में लगातार गिरावट जारी है। आलम ये हो गया है कि इन दिनों महाराष्ट्र की मंडियों में किसानों से 50 से 75 पैसे प्रति किलो तक प्याज की खरीद की जा रही है, जो राज्य के प्याज उत्पादक किसानों के लिए एक परेशानी का कारण बन गया है। प्याज का यह दाम अभी तक का सबसे निचला स्तर है। महाराष्ट्र स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के मुताबिक 20 मई को नासिक जिले की येवला मंडी में प्याज का न्यूनतम दाम 50 पैसे प्रति किलो रहा है, तो वहीं राज्य की सताना मंडी में 75 पैसे प्रति किलो के भाव से प्याज की खरीद किसानों से की गई है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि नासिक देश का सबसे प्रसिद्ध प्याज उत्पादक जिला है। प्याज की दुर्गति पर महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संगठन के अध्यक्ष भारत दिगोहले कहते हैं कि जब जब दाम बढ़ता है तो सरकार इंपोर्ट कर लेती है, इससे फिर से प्याज के दाम नीचे चले जाते हैं। भारत दिगोले ने मांग करते हुए कहा कि अब किसानों को इतना कम दाम मिल रहा है तो नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा देने की जरूरत है, मंडी में लाने का भाड़ा भी नहीं निकल रहा है। इस समय महाराष्ट्र में प्याज उत्पादक संकट में है। राज्य में प्याज के दामों में लगातार गिरावट जारी है। राज्य की अन्य मंडियों में भी प्याज का दाम 1 रुपये प्रति किलो तक चल रहा है। ऐसे में परेशान किसान अब प्याज मुफ्त में बांटना पसंद कर रहे हैं, तो वहीं कुछ किसान प्याज फेंकने को मजबूर हो रहे हैं। प्याज के गिरते दामों और नेफेड द्वारा राज्य में कम कीमतों में प्याज की खरीदी पर महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक संगठन रास्ता रोको आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन किसानों को कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। कीमतों में उतार चढ़ाव का सबसे बड़ा असर उपभोक्ताओं पर नहीं बल्कि किसानों पर पड़ा है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।